गाइस सुबह का टाइम हो रहा है और आज मौसम काफ़ी बादल वाला हो रखा है, उम्मीद है बारिश आएगी। तो मैंने जो है अभी अभी फिंचेस और बजीज को बाहर ले आया हूँ, ये देखिए। तो अब चलते हैं और कबूतरों को भी बाहर निकालते हैं। और ये देखिए बग्गू को कैसे तानी कर रहा है पानी में। तो अब चलते हैं कबूतर के पास। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब यार। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अभी मैं छत में आ गया हूँ, कबूतरों को खोलते हैं। इनका लॉफ्ट मैंने पूरा कवर कर रहा था क्योंकि बारिश भी आ सकती है कल परसों में, थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है। तो अब जल्दी से कबूतर खोलते हैं। गाइस तो अब आपको जल्दी से लॉफ्ट के अंदर की अपडेट देते हैं और लॉफ्ट के अंदर चलते हैं। गाइस यहाँ वाले बच्चे तो बड़े हो गए, वो बाहर भी निकलने लग गए, देखिए कितने बड़े हो गए। ये देखिए सामने इस बच्चे की ग्रोथ भी देखिए, और ये दो बच्चे भी हैं यहाँ पे। गाइस मैंने इन्हें छू के इसलिए देखा है कि मैं ये चेक करना चाह रहा था कि इनके माँ बाप इनके ऊपर बैठ के नहीं हीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे इससे पहले भी आपको पता है दो आज का बच्चा भी मर गया और एक बच्चा और मर गया मेरा, इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें हीट नहीं दे रहे थे। ओहो इसका पैर फंस रहा है यहाँ पे, इसलिए कहीं नहीं जा पा रहा है, इसको आराम से पकड़ते हैं। ओहो इसमें इसका पैर पूरी तरीके से उलझ गया, ये इसको छुड़ाते हैं। गाइस जिसको मैंने आज़ाद कर दिया है, ये रस्सी में फंस गया था, अभी बाहर आ गया है। और सामने इसकी भी ग्रोथ देखिए, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ इन बच्चों को इसके ऊपर शिफ्ट कर दूंगा यार, देखते हैं दिन तक कैसा रिस्पांस रहता है। और इस तरफ हमारे जो है बादामी के बच्चे हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में, और नीचे पैंटेल का बच्चा भी देख सकते हैं आप, ये भी अच्छी कंडीशन में, वाइट कलर आ रहा है इसका। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, आज हवा भी चल रही है। गाइस ये मैं आया हूँ गार्डन में, और ये जो है पीले पीले क्या कहते हैं इनको, मैं भूल गया, मेरे को नाम ध्यान ध्यान नहीं आ रहा है, लवा, हाँ लवे के जो ये पेड़ है इनको लेके चलते हैं और रैबिट्स को देते हैं। रैबिट्स को बहुत पसंद है ये, और उसके लिए हेल्दी भी है क्योंकि वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो अब ये लेके चलते हैं और उनको देते हैं। आए जो अपनी मम्मी के साथ, और ये रहा गाइस इनका खाना। और अब आपको जो है बच्चों की ग्रोथ दिखाते हैं। और इसको कवर कर देते हैं। तो गाइस रैबिट्स के बच्चों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, वो सब चलते हैं, मुर्गी के बच्चों को भी उनका खाना देते हैं। गाइस इनको भी इनकी फीड दे दी है, बस अब इनका पीने का पानी भरते हैं और हम चलते हैं अभी यहाँ से।
गाइस काफी दिन हो गए थे तो मैंने आपको टर्टल और फिश की अपडेट नहीं दी। ये देखिए हमारी सारी फिश यहाँ अच्छे से, और ये टर्टल और ये रहेंगे मील, तो इनका खाना डालते हैं अंदर। और देखिए टर्टल्स दो तीन दिन से भूखे हैं तो जल्दी से इसे खाएंगे, उम्मीद तो यही है। तो ये देखिए ये वाले टर्टल ने देख लिया कि खाना आगे ऊपर, अभी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, इसके साथ में बगल वाले ने भी देख लिया है। खैर इन्हें इनकी मील एंजॉय करने देते हैं, हम चलते कबूतर के पास और उनको बंद करते हैं। गाइस तो फाइनली जो है बारिश होने लगी है, आप कैमरे के सामने देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बूंदें आपको दिख रही होगी। ये देखिए टंकी गीली होनी शुरू हो गई है, तो आज हमारे पेट्स भी पहली बार बारिश एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे खुले में, और इनके साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पेट्स खोल के। और साथ साथ हमारे पेट ये वाले बच्चा देखिए, इसकी भी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। एक दूसरा, ये दूसरा दूसरा वो अंदर चला गया वो, और तीसरा ये वाला, और बाकी बच्चे जो है वो भी ठीक है। गाय जी देखिए बंदर आ गए, और मैं इनको भगाता हूँ नहीं तो एक कबूतरों को नुकसान कर देंगे। और देखिए मैं छत में जा रहा हूँ, और अब मैं इनको भगाता हूँ। देखिए गाइस ये रहे, चलो ये बैठे हुए देखिए, और गाइस ये देखिए कितने सारे बैठे हुए यहाँ पे। और ये इधर से जाएंगे सीधा ऊपर की तरफ, अब मैं इनको भगाता हूँ। अगले वस्ते बंदर है, हाँ गुणी। गाइस ये देखिए कितने सारे बैठे हैं, अब मैं और पास आ गया हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अब मैं इनको भगाता हूँ। ये देखिए एक नीचे भी आ गया, ये रहा देखिए, और मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस एक, ओहो मेरे तो इसके बड़े वाले को देख के तो मैं तो डर गया। तो गाइस बंदर तो भगा दिए, बस अब जो दो चार बंदर बचे हैं उनको भी भगाते हैं, और उसके बाद चलते हैं हम सीधा कबूतरों के पास। कबूतर काफी खुश है बारिश में खुल के, ये देखिए अब जल्दी ये वाला काला वाला जो है ये भी ब्रीडिंग करेगा। तो गाइस अब कबूतर बंद करते हैं बस थोड़ी देर में, और ब्लॉग को आज यहीं करते हैं एंड। यार उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, यार अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आप सभी ब्लॉग में, तो तक अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।